हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैमी के व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जो कि कबूतर लवर्स के लिए है। सो गाइस, आपको पता रहेगा लास्ट टाइम मैं बैट लवर्स के लिए वीडियो लेके आया था और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। सो गाइस, ये वीडियो में हम देखेंगे कि एक पिजन कैसे संभाला जाता है। गाइस, सिर्फ बोलने के लिए लोग पिजन नहीं रखते गाइस, ये एक पैशन होता है और एक पैशन होता है अपने पिजन्स का ख्याल देना। गाइस, जैसे आपको पता रहेगा कि जो बैट मैन्युफैक्चरिंग ओनर मुजफ्फर सोलकर, वो भी मेरे कज़न है और जहाँ मैं आज आया हूँ वो भी मेरा कज़न भी है और मेरा फ्रेंड भी है, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब मेरे फैमिली में ही है। गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ मैं वर्सोवा में ही हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, नेक्स्ट टू माई बिल्डिंग मेरा एक दोस्त है, कज़न है सरफराज। सो हम गाइस वहाँ जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि सरफराज किस तरीके से अपने पिजन्स का ख्याल रखता है, सरफराज किस तरीके से मतलब पिजन्स को पालता है, उनको रखता है, उनको क्या खिलाता है, तो हम ये वीडियो में डिटेल देखेंगे। तो गाइस, मैं अभी वर्सोवा अंधेरी वेस्ट में हूँ और हमारे एरिया का नाम खोजा गली है। गाइस, आइए हम पिजन्स की दुनिया का सफ़र करें। सो गाइस, आप देख सकते हो अभी मैंने एंट्री करी है और किस तरीके से पिजन्स के पिंजरे, आप देख सकते हो पिंजरों के अंदर कितने सारे पिजन्स हैं। तो गाइस, मैं आपको पूरा पहले ये छोटा सा कबूतर खाना दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो हर पिंजरे में पिजन्स रखे हैं। देखो, मैं आपको सब शेयर कराता हूँ यहाँ पर। लेट मी इंट्रोड्यूस जो इन कबूतर्स का देख रेख करता है गाइस, तो उसका नाम है सरफराज और उसने अपने शौक के लिए ये सब कबूतर पाले हैं गाइस, और एक नाम भी दिया है सरफराज पिजन लॉफ्ट। गाइस, इट्स अ वेरी नाइस नेम, तो मैं आपको ये नाम लिख के बताऊंगा एंड पे, सरफराज पिजन लॉफ्ट। तो गाइस, सरफराज ने देखो किस तरीके से सब खूबसूरती से एक हर कबूतर को, हर वेराइटीज़ के कबूतर को अलग अलग पिंजरे में रखा है। सो गाइज, अभी हम सरफराज से मिलेंगे, बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको किस तरीके से ये शौक लगा और ये क्या क्या करते हैं इनका देख रेख करने के लिए। ये सरफराज है, तो मैं सरफराज का वेलकम करना चाहूँगा सैमी के व्लॉग्स में। हम लोग सरफराज से बात करेंगे और देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में ये कबूतर का किस तरीके से अपने जान से बढ़कर ख्याल रखता है। सो हाय सरफराज, वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, मेरा नाम सरफराज सोलकर है और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ सरफराज पिजन लॉफ्ट पे। तो गाइस, मैं सरफराज से पूछना चाहूँगा कि आपको ये हॉबी कैसे लगी और मतलब कब से ही आपको शौक शुरू हो गया कबूतर पालने का? देखो समीर भाई, कबूतरों का शौक तो मुझे बचपन से ही है, मेरे घर में बचपन से ही कबूतर रखे हुए हैं, मेरे डैडी को ये शौक है, मेरे सारे चाचाओं को ये शौक है और ख़ास करके मेरे जो मरहूम इमरान चाचा थे, इमरान सोलकर, उनसे मेरे को ये कबूतरों का शौक लगा है, तो अब तक मैं ये कबूतर का शौक कर रहा हूँ। सरफराज, हम सबको पता है कि कबूतरों में भी ब्रीड्स होते हैं, तो मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सी ब्रीड क्या होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास कौन से ब्रीड्स अवेलेबल है और स्पेशली आपको कौन सा ब्रीड पसंद है, मतलब आप कौन से ब्रीड्स को ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हो? तो समीर भाई, मेरे को ना ज़्यादातर हाई फ्लायर कबूतर पसंद है, जिसमें मेरे पास है ना बॉर्डर वाले कबूतर है, ज़्यादातर रेड आइस के कबूतर है जिसमें गोल्डन है, डब वाले हैं, और अपने इंडियन कबूतर भी है जैसे कल्दू में हो गए, तो ये सब कबूतर है मेरे पास, तो मैं आपको इसका बता दूंगा कि कैसे है क्या है। तो अभी आप लोगों को इसका शौक कराते हैं कौन से है, आप आके देख लो बाजू में करीब से। ये अपने इंडियन बाजरे कबूतर है, राजस्थानी। ये मेरा डब वाला ब्रीडिंग पैर है, इनके साथ एक बच्चा रखा हुआ है और ये एकदम रिजल्टेड पैर है, इनके बच्चे बहुत उड़ते हैं। और यहाँ पे भी और एक है, ये ब्रीडर पैर है दोनों भी। अभी इनका आंखों का शौक कराता और पर दिखाता हूँ कि क्या क्वालिटी इनमें, खासियत क्या है इनकी। तो मैंने जो डब वाले पैर दिखाया ना, उनके ही ये सब बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है इनकी, और मैं अभी आपको एक एक करके इनके आँखों का क्लोजअप देता हूँ कि कैसे। ये आप इसकी आँख देख सकते हो, रेड आइज में है, इसके पर देख सकते हो और आप देख सकते हो उसकी खूबसूरती कितनी है। ये भी वो डब वाली ब्रीड में से ही है, ये बच्चा है और एकदम रेड आइज का है, और ये अभी नौकली का बच्चा है,
अभी हम लोग तो इनको ज़्यादा उड़ा रहे नहीं है क्योंकि ठंडी चल रही है, मार का भी डर रहता है, तो ये लोग को हम लोग गर्मी में ही उड़ाते हैं और अभी खाली ब्रीडिंग करके जमा कर रहे हैं ये लोगों को। ये भी रेड आइज में ही है, ये 6 कली का बच्चा है और इनमें उड़ान बहुत ज़्यादा है, एकदम ज़्यादा उड़ते हैं। तो ये 6 कली और 7 कली क्या होता है मतलब? तो ये इसके 10 पर होते हैं। अच्छा। ये टोटल 10 पर होते हैं, ये बाहर के 10 पर होते हैं और बगल के 10 पर होते हैं, तो यहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं। एक इसके तो पर कटे हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ान है, तो हम लोग ने इसके पर कैच करे ताकि थोड़ा कम उड़े। सो गाइस आप देख सकते हो खूबसूरती, क्वालिटी और स्पेशली उनकी जो रेड आइज है वो बहुत अच्छी है। सो आप देख सकते हो, और ये एक ही फैमिली के बच्चे हैं, देखो कैसे लाइन से बैठे हैं। जिस तरीके से आपको मैंने डब वाले कबूतर बताया था उसी तरीके से मेरे पास गोल्डन कबूतर भी है बॉर्डर वाले में, अच्छी क्वालिटी के ब्रीडिंग पेयर्स है, तो मैं उसका आपको शौक कराता हूँ, बताता हूँ कैसे। सब देख सकते हो ये हमारा मेन गोल्डन पेयर है रेड आइज में, तो इसके नर का आपको शौक कराता हूँ मैं। इसकी खूबसूरती आप लोग देख सकते हो, एकदम रेड आइज में है और खूबसूरती के साथ साथ इसमें उड़ान भी बहुत ज़्यादा है, और सब ज़्यादातर बच्चे यही पैर के हैं, ये मेन ब्रीडिंग पैर है और ये उसकी फीमेल है। और इसके पर देख सकते हो आप, एकदम खूबसूरती में एक नंबर है। ये भी मेल है, ये सेकंड पैर का मेल है रेड आइज में, खूबसूरती के साथ साथ इनमें उड़ान भी बहुत ज्यादा है, ये इसके पर है। तो ये दोनों जोड़े हैं ना, इनके मेरे पास जितने भी बच्चे हैं ना उसके आपको शौक कराता हूँ। तो वो दो गोल्डन जोड़े जो आपको दिखाया ना, उनके ये सारे बच्चे हैं, बहुत सारे तादाद में है और इनका उड़ान में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो इनमें से आपको दिखाता हूँ क्वालिटी। ये रेड आइज में फीमेल है, वही जोड़ का बच्चा है ये बहुत उड़ती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये वही पैर का दूसरा बच्चा है, इसका भी शौक कीजिए आप, और क्वालिटी देखिए एकदम रेड आइज में है और इसके पर भी देखिए। ये सब डब वाले और गोल्डन के बच्चे हैं घर के, क्वालिटी देख सकते हो आप लोग। सो गाइज आप देख सकते हो कि कैसे मादा कबूतर अपने बच्चों को खाना खिला रही है अपने चोंच से। एक पैर है और इनके पास एक न्यूली बॉर्न बेबी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी ले और ट्रे को आगे भेज। देखो गाइस कितना प्यारा छोटा सा कबूतर का बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी, ब्यूटीफुल। सी गाइस सच अ ब्यूटीफुल कपल, मोर पीस ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कबूतर है मोर पीस और ये उसकी फीमेल है। पर्पन ऑस्ट्रेलियन पर्पन का जोड़ा है, ये सब फैंसी कबूतर है, थोड़े बहुत फैंसी कबूतरों का भी शौक है हम लोग को। ये सब फैंसी कबूतर भी है हम लोग के पास थोड़े से ना, तो वो आपको शौक करा रहे हैं।
सो गाइज आप देख सकते हो कि खूबसूरती इनकी किस तरीके से, देखो मोर पीसी भी कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखो। सो गाइज आप देख सकते हो कि कितने कबूतर है सरफराज के पास। ये होता है कबूतरों का शौक, एंड आई वुड से दिस इज अ पैशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ पिजन्स। तो अभी सब कबूतरों की सैर करा दी आपने, बता दिया कौन सा कबूतर कौन से ब्रीड का है। तो आप अभी ये क्या कर रहे हो? ये लोग का दाना बना रहा हूँ, इसमें ये सरसों है, राई, और ये बाजरा जाता है इसमें, और फिर प्रोटीन के लिए ये लोगों को दालें डालता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो कि कबूतरों का खाना क्या क्या है, राई है, दाल है और बाजरा है उनका खाने के लिए। सो अभी फीडिंग टाइम है। सो गाइज आप देख सकते हो कबूतर कैसे दाना चुग रहे हैं गाइज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक सुकून वाली फीलिंग महसूस हो रही है मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो गाइज मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे डैड को भी कबूतर पालने का शौक़ था, बहुत सारा शौक़ था, और जब मैं छोटा था तब देखता था कि डैडी भी मेरे सेम जो सरफराज का जो पैशन है, सेम मेरे पापा का भी सेम पैशन था, बट पता नहीं उनका ये शौक छूट गया। मे बी मुझे या मेरे भाई को इंटरेस्ट नहीं था, अगर वो इंटरेस्ट हम में होता तो हम भी आज कबूतर पालते, बट कोई नहीं, मैं नहीं, मेरे डैड नहीं, बट मेरे फैमिली में कबूतर पल रहा है और सेम फीलिंग है, सेम हैप्पीनेस है और बहुत सुकून है गाइस। तो मैं सबके सामने सरफराज को एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप ये कबूतर पालने के शौक के अलावा भी डे टू डे लाइफ में कुछ करते हो? मतलब एक्चुअली आई एम अ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो मैं अपनी पूरे दिन भर में पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट करने के बाद, अपने सारे काम करने के बाद, जैसे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है और मेरे कॉलेज के सारे काम करने के बाद, शाम में एक घंटा निकालता हूँ ये लोगों को दाना और पानी खिलाने के लिए। तो ये दाना पानी देने से मेरे दिल को एकदम सुकून मिलता है, और मैं कबूतरों के पास आता हूँ तो मेरा एकदम टेंशन फ्री हो जाता हूँ मैं, और मेरे को बहुत खुशी मिलती है ये आने से। सो गाइज इस वीडियो के एंड में ये सीख मिलती है कि जो भी लाइफ में हमारा शौक है, पैशन है, हम वो भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमको, जो जैसे हमको पढ़ाई करनी है, काम करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, गाइज अगर हम दोनों चीज़ को बैलेंस करेंगे तो हमारी फैमिली भी हमको सपोर्ट करेगी अपना पैशन को इंजॉय करने में। सो ये वीडियो में मुझे एंड में बहुत अच्छा लगा कि ही इज़ डूइंग हिज स्टडीज एज वेल, एट द सेम टाइम वो अपना शौक पूरा करता है, और एट द एंड ऑफ द डे एक सुकून फीलिंग महसूस होती है इन कबूतरों के साथ टाइम स्पेंड करके। और तो मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे को कभी मौका नहीं मिला मुज्जू भाई को थैंक यू बोलने का, तो आज मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे को जब भी कुछ सपोर्ट वपोर्ट चाहिए रहेगा कबूतरों के बारे में, कोई दवा या पानी के बारे में पता नहीं रहता है मेरे को, मेरे आइडिया ख़त्म हो जाते, तो मैं मुज्जू भाई को पूछता हूँ कि इनको कौन सी दवा देना है, क्या देना है, जिससे ये लोग एकदम फिट और तंदुरुस्त रहे। सो गाइस ये भी टैलेंट है मुज्जू में, आप देख सकते हो नहीं, बहुत अच्छा है, और उन जो बताते कि भाई ये कबूतर उड़ेगा वो उड़ता ही है, और जो नहीं बताते वो नहीं उड़ता है। सो अगेन ये हेल्पिंग हैंड है, प्लस ये मेंटर भी है आपके लिए। बहुत सुकून वाली फीलिंग है गाइस, और मुझे लगता है शायद से हर हफ्ते मैं भी अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आऊंगा सरफराज के साथ। सो गाइस मैं आपको
हमारे गेस्ट से वेलकम कराना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको आपको तो पता है मुज्जू भाई कौन है, ये हमारे ओनर है हंटर स्पोर्ट्स के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। सो मुज्जू भाई हमको इंट्रो कराएंगे शोएब भाई से। ये हमारे उस्ताद है शोएब भाई, और जब से हम लोग बहुत टाइम हो गया बहुत साल से हम इनके साथ ही कबूतर पकड़ना सीखे, कैसे कबूतर पहचानना, कैसा है उड़ाना, क्या है कबूतर की उड़ान, कौन सा उड़ेगा कौन सा नहीं उड़ेगा, क्या करेंगे, और उसके हिसाब से इतना अच्छा लॉट हम लोगों ने तैयार किया है, और वही हम सरप्राइज भाई को पास ऑन किया है जो भी है अभी तक। सो गाइस एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बोलते हैं हमारा एक मेंटोर होता है जो सबको सिखाता है। तो जो भी मुज्जू और ये सरफराज सीखे वो शोएब भाई से ही सीखे है। सो उसके लिए थैंक यू, और मैं इनका वेलकम करना चाहूँगा हमारे चैनल पे, और थैंक्स भी करना चाहूँगा कि ये अपना कीमती समय देके हमारे चैनल पर आए। सो थैंक यू शोएब भाई। सो गाइस आप देख सकते हो अफरीत दाना डाल रहा है, जब भी सरफराज नहीं रहता है या कभी कुछ काम से बाहर गया रहता है तो ये छोटा सरफराज उर्फ अफरीद आता है और कबूतरों को खाना डालता है। अप्पू से हाय टू एवरीवन। सो गाइज मैं सरफराज का नंबर नीचे डालने वाला हूँ गाइज, डिस्क्रिप्शन पे भी डालूंगा और ये वीडियो के एंड में भी डालूंगा। गाइज अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहेगी या अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी, मतलब एनी क्वेरीज रिलेटेड टू पिजन्स के, आपको क्या खाने डालना चाहिए या आपको कोई भी पिजन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हो। सो गाइज अगर आप इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, आपको कोई भी क्वेरीज रहेगी तो आई एम श्योर सरफराज को भी खुशी होगी, क्योंकि देखो ये किसी की भी हेल्प करेंगे अच्छे के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे इनका जो पैशन है कबूतर, सो इनको भी खुशी होगी कि ये कुछ कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए आपकी हेल्प करके। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ गाइज। आई एम श्योर आपको ये वीडियो स्टार्ट टू एंड बहुत अच्छा लगा रहेगा। आई एम श्योर सरफराज ने जितना हो सके आपको कबूतर के बारे में, ब्रीड्स के बारे में डिटेल बताया रहेगा। सो मैं सरफराज को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपना जो सरफराज पिजन लॉफ्ट है जो हमको दिखाया और अपने व्यूअर्स को दिखाया, तो मैं उसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा सरफराज। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे समीर भाई को कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ पे वीडियो बनाने आया है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वेलकम सरफराज, आई होप ये वीडियो हमारा सब कबूतर लवर्स को, सब व्यूअर्स को जाए, और आपके ये जो पिजन लॉफ के बारे में जो हमने ये डिटेल्स डाले हैं वीडियो में, आप सब लोग देखें, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपने ये पूरा वीडियो देखा, और मेरे सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप मुझे स्लो एंड स्टेडिली लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सो गाइज प्लीज़ वेट एंड वॉच फॉर माई सेकेंड वीडियो, और भाई के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैंने पहली बार देखा कितनी मेहनत लगती है, अभी मेरे को पता चल गया है। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।